हेलो अवैस, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी मदद सिर्फ आप कर सकते हो मौला। मेरे मामे मौला, मेरे वक्त के इमाम मौला गाजी, उनकी मदद करो, वो बहुत परेशान है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। आप सबको जुमे का दिन बहुत 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 मुबारक हो। अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अम्मा ने कुछ आप सबसे बात करनी है, पहले वो सुन लें, फिर हम अपना जो आज का कॉन्सेप्ट है व्लॉग का, जो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, उसको स्टार्ट करते हैं। आज जुमे का दिन है बच्चों, इस दिन दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है। इस दिन मौला अपनी रहमतों को दुगना चुगना कर देता है। मैंने कहा मैं जैनवा पे बैठती हूँ, अपने सारे बच्चों की दुआ करती हूँ, सारे मुसलमान बहन भाइयों की दुआ करती हूँ। कल मैं जैनवा पे बैठी, मैंने ना सूरतें अपनी वहाँ पर करी हुई हैं, मैं देख के पढ़ती हूँ। मैंने एक क्लिप देखा, कसम से मेरी जान निकल गई। इतने बुरे तरीके से बच्चों को शहीद हुए, इतने छोटे छोटे बच्चे, और उनके में सुराख आँखों पर, यहाँ वहाँ मेरा दिल बड़ा रोया कि मौला पैंतन पाक शहनशाह, उनकी मदद सिर्फ आप कर सकते हो मौला। मेरे मामे मौला, मेरे वक्त के इमाम मौला गाजी, उनकी मदद करो, वो बहुत परेशान है, इतनी तकलीफ में है कसम से कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी दुआ की, मेरे वक्त के इमाम के स्पर्द किया, मौला सबको अपनी जमा में रखो। बाप लादा रो रहे, माएँ लादा रो रही हैं, बच्चे ऐसे मैंने डॉक्टरों के पास बैठे, जमीन पे ऐसे मैंने ढेर लगे देखे ना, कसम से मैं बड़ा तड़प के रोई हूँ कि मौला सबकी मदद करो, उनकी मदद आपने करनी है मौला। लोगों से कुछ नहीं हो सकता जितना वो जुल्म कर रहे हैं। मेरे मौला, मेरे वक्त के माँ, मेरे बादशाह, या अली मुश्किल कुशाई, उनकी मुश्किल कुशाई करो। इस तरह की चल रही है कि आप सबको समय लगी हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप नाम लेते हैं, आप उन्हें मेंशन करते हैं, आप उनके बारे में टैगलाइन बनाते हैं, तो आपकी आईडी वो बैन कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ना, वो शैतान का या कह लो कि जो दुश्मन का पलड़ा है वो भारी है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाई परेशान है, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। इंसान के हाथ में तो इतना ही है, आमीन सुम्मा आमीन, हमारे हाथ में इतना ही है। अब हम जाके वहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह पाक ने अगर इतनी दी होती तो जरूर जाते, लेकिन ये है कि अगर हम उन्हें टैग करते हैं, हम उनका नाम लेते हैं, प्रॉपर उनको हाईलाइट करते हैं, तो आईडीज बैन होती हैं, आपकी वीडियो जो है वो जाती नहीं है किसी तक, सिर्फ आप खुद देख सकते हैं अपनी वीडियो, उन तक जाती नहीं है। इतना इस तरह तो के जैन माज बैठ के रो के अपने वक्त के इमाम से दुआ मांगो, फरियाद करो मौला की इनकी मदद करने आ जाओ आप, इनकी मदद मौला तो आप कर सकते हो। मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि पहले अम्मा से बात करवा दें, जुम्मे का दिन है, खुले आसमान के नीचे बैठ के दुआएं करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी मदद फरमाए और अपने अपने घरों में खुश आबाद रहे हैं। हालांकि माहौल तो वहाँ पे खुश रहने वाला नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे, लेकिन फिर भी जो कुल कायनात का मालिक है, उसके लिए तो एक इशारा ही काफी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाएगा, आप सभी अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल से देख तो लिया होगा, आपको हल्का फुल्का सा आइडिया तो हो चुका होगा। वैसे भी जब हमने कल अवैस को छोटा सा परफ्यूम का सरप्राइज दिया था, तब मैंने कहा था कि तुम्हारा एक और सरप्राइज भी रहता है। हाँ जी, आपने उसको ये कह दिया तो वो मुझे कि अम्मा बताए ना भाई, कहते तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज। मैं बेटे कपड़े सिलवाने हैं ना, मैं माल भाई की शादी की। नहीं मम्मा, वो तो कहते कि बड़ा वाला सरप्राइज है। मैं कहती नहीं पुत्र, है ही है तेरा बच्चा है ना, उसको जरा क्यूरियोसिटी रहती है। अच्छा जी, आपको आइडिया होगा, 10-12-13 दिन पहले मेरे घर पे एक चोरी हुई थी। इंसान जो मिडिल क्लास आदमी है, जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ, मेरे अल्लाह के बाद, मेरे माँ बाप के बाद, मैं खुद ही अपना सहारा हूँ। थोड़े 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 पैसे जोड़ता है अपनी चीज़ों को पूरी करने के लिए। जैसे हम अपने घर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, दो तीन कदम आगे करते हैं, फिर दो तीन कदम पीछे देते हैं। आप थोड़े बहुत पैसे जोड़ते हैं, कोई ना कोई चोर के जाता है, आपको लूट के चला जाता है, कोई ना कोई और स्कैम हो जाता है, कोई ना कोई और फ्रॉड हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको एडवांस में मिलती हैं जब आप एक पाकिस्तानी होते हैं। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तानी हैं तो हैं, लेकिन मेरी नज़र के अंदर वो सही मर्द, वो सही पाई आदमी, जिसे हम कहते हैं ना पाई आदमी, है वो होता है कि जो नुकसान के बाद ठुस होके बैठ ना जाए, जो दोबारा उठे, दोबारा भागे, दोबारा कमाए। बस फिर होना क्या था, आप लोगों को याद ही है, हमने पहले अम्मा का मोबाइल लिया, फिर हमने बच्चों के जो पैसे चोरी करके वो ले गए थे, उन सब चीजों की भरपाई की, उनके राशन, मैट्रेस, अगर हर चीज उन तक पहुंचाई, कुछ एक्सेस पैसे भी उनके अब हमारे पास पड़े हुए हैं। लेकिन अब बारी आती है अवैस की। अवैस को पता तो है कि उसके लिए सरप्राइज एक और है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि भाई उसके लिए मोबाइल लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि थोड़े से हालात टाइट हैं, जब से चोरी हुई हुई है भाई काफी रिस्ट्रिक्ट होके चल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खैर जहाँ पर इतने खर्चे हैं, वहाँ पर उस बच्चे का भी राइट बनता है कि उसको भी मोबाइल लेके दिया जाए। मेरा मोबाइल तो पता नहीं कब आना, लोगों ने वादे तो किए हुए हैं, मजदूरी करवा ली है,
और उजरत जो है वो मजदूर की उसे देने रहे। लेकिन यार कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जो मेरे जिम्मे काम है पहले मैं वो करूंगा। अम्मा की भी हो गई, बच्चे भी हो गए, आज मैं जा रहा हूँ अवैस का मोबाइल लेने, मेरे साथ बच्चे भी मेरे जा रहे हैं, सलमान वगैरह जा रहे हैं, इनको ज़रा नॉलेज अच्छा है मोबाइल्स का, पहले जुमा पढ़ने जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे अवैस का मोबाइल लेने, फिर आके उसे सरप्राइज देंगे। तू ना मेरी बात बोला ना कर, रिजक जो है वो सखावत में, क्योंकि ये मेरे मौला अली का कॉल है, और अगर तू सबका करेगा तो अल्लाह पाक तेरा सबसे पहले करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन करेगा मौला, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हां जी जी, ये मस्जिद के पैसे। ओह थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहले मेरा वैसे तेरे बाबा जुमा पर तुम लेट जाते हो। मामा जा रहे हैं, बस अभी शुरू नहीं हुआ, जल्दी आ सलमान, यार सलमान का वेट कर रहा था मैं तो, रेडी हूँ। तेरी वैसे लेट हुआ हूँ मैं, रेडी खड़ा था तब से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके जी, जुमा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हमारे साथ ही जाएंगे, बच्चों को जरा ना यूज मोबाइल का नॉलेज ज्यादा है, तो बच्चों बताओ कहाँ से लें अवैस भाई के लिए मोबाइल, लेना कहाँ चले? मेरे ख्याल से फीस सेंटर ठीक रहेगा। हाँ फीस सेंटर ही चलते। चलो जी। अच्छा रजत भाई, यार आपका जवाब नहीं आया, हाँ है या ना है? बस तुम्हारी कमी रह गई थी पूछने वाली। आधे जहान के मुझे कमेंट्स आ गए, आधे जहान के मैसेज आ गए, रजत भाई क्या बना, भाभी ने हाँ किया कि ना किया? यार जब हो जाएगी हाँ हो जाएगी या ना हो जाएगी, मैं छुपाने वाला नहीं हूँ, सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, अम्मा को पता लगेगा, अम्मा मुझे बताएंगी, मैं फौरन आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, चाहे हाँ हो चाहे ना हो, ठीक है? चलो जी। अल्लाहु अकबर। तुम्हारे और मेरे बीच इतनी दूरियां क्यों हैं? इतना सामने हो कि भी तुम मुझसे दूर हो। पिछले साल तुम्हारी छोटी बहन को मैं घर लेके आया था, तुमसे एक साल छोटी थी, लेकिन कुछ चोर कुछ डकैत आए, उन्हें तुम्हें मुझसे छीन के ले गए तुम्हारी बहन को। अब तुम मेरे सामने बैठी हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, इतनी महंगी क्यों हो तुम? ये दूरियां कब खत्म होंगी मुझे बता दो बस एक बार। जवाब दे दो मुझे, देखो कितनी प्यारी हो तुम शक्ल से, उतनी ही महंगी हो, उतनी ही बेवफा हो। तुम्हारी बहन डकैतों के साथ भाग गई, ट्रेस भी नहीं हुई। क्या करूं मैं तुम्हारा, कब आओगी मेरे पास? कोई बात नहीं, हम जल्द मिलेंगे। चलो खैर, अपना 15 प्रो मैक्स तो बाद में आएगा, अभी फिलहाल जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हैं तीन ऑप्शंस, एक ये है ब्लैक कलर में 7 प्लस, एक ये है रेड कलर में 7 प्लस, और ये है एक ये रेडमी के रियलमी रेडमी A2 प्लस। अब हम जो अपने बच्चे साथ लेके आए हैं इनसे पूछते हैं, क्योंकि अवैस भी इन्हीं की एज का है, इनको बेहतर पता होगा। हाँ भाई, यार मेरे ख्याल से ब्लैक सही रहेगा ये वाला। हाँ, क्योंकि रेड लड़की वाला होगा। वैसे ये यूज है तो आईफोन ही है, लेकिन ये डब्बा बैग है देख लो। नहीं नहीं, ब्लैक ज्यादा सही है मेरे ख्याल। आप बताओ। ब्लैक ही ठीक है और आईफोन तो बिल्कुल। और ये रेड वाला? नहीं रेड लड़की वाला नहीं। रेड भाई, ये रेड वाला जो है और ब्लैक वाले में क्या फर्क है? दोनों सेम ही है, बस कलर का फर्क है, दोनों 32 GB है, PTS अप्रूव्ड है, कोई इशू नहीं, मतलब जनरल फोन है। और ये वाला इसका क्या जीबी जूबी है? ये 3 GB 64 GB है। अच्छा। लेकिन ये एंड्रॉइड में आ जाता है, आईफोन का यूजर एंड्रॉइड पे स्विच नहीं हो पाया। ठीक है, इसकी इसकी क्या प्राइस है? अच्छा वैसे है वो आईफोन का यूजर ही है, उसका जो फोन गया वो 6S गया, लेकिन अब उसको 6S ही नहीं देना, इंशाल्लाह कोई अच्छा देंगे उससे। इसकी क्या प्राइस है? ये ऑलमोस्ट कोई 20 रुपीज का है। ये इन दोनों का सेम ही रेट है, ऑलमोस्ट कोई 20 रुपीज का ईच है। ठीक है, तो ब्लैक वाला डन ना फिर? हाँ ब्लैक वाला ले लो। मेरा ख्याल है कि ब्लैक वाला डन करें, अवैस विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। भाई ये डन कर दें, पैक कर दें। ओके थैंक यू भाई, ये आपके पैसे, शुक्रिया, अवैस आपको बहुत दुआएं देगा, अल्लाह हाफिज़। रजत भाई, वो अवैस के पास पहले कौन सा मोबाइल है? उसके पास था iPhone 6S, वो भी नॉन PTA था मेरे ख्याल। नॉन PTA था। अब तो मजे हो गए लड़के के, 7 प्लस PTA अप्रूव्ड। कोई बात नहीं, खुश हो जाएगा छोटा भैया अपना यार। बिस्मिल्लाह रहमान। ओके भाई, अवैस का सरप्राइज रेडी हो गया, रेडी नहीं हुआ अभी, जाके इसको पैक शैक करना है। और उसको एक और चीज है जो आपको मैंने अभी बताई नहीं है, वो ये कि हमने अवैस को कहना क्या है कि ये गिफ्ट कहाँ से आया, वो आपको घर पहुंच के बताऊंगा। सलमान उतर गया यहीं से, अपने घर चला गया क्योंकि कल वीकेंड है, तो वो अपने घर वीकेंड स्पेंड करेगा। घर पहुंचते हैं फिर आपको बताता हूँ जाके कि अवैस को हमने सरप्राइज कैसे देना है। भाई भाग के जाओ, सामने दुकान है, एक गिफ्ट कार्ड लेके आओ, ठीक है, बड़े वाला लेके आना, और साथ लेके आओ एक पैकिंग टेप। वो क्या करनी है रजत भाई? भाई बहुत ही खुराफाती दिमाग में आइडिया आया मेरे, ऐसे सिंपल गिफ्ट नहीं दे देना उसको, ठीक है, एक टेप लेके आओ और एक गिफ्ट कार्ड लेके आओ, बड़ा उसके ऊपर राइटिंग करके लिख के देना, मैंने बड़ा उसको तंग करना चाहो, सिंपल गिफ्ट नहीं दे देना हमने, जल्दी आओ जल्दी। चलो जी, ये आ गया हमारा कार्ड, ये आ गई हमारी टेप, और ये आ गया हमारा मोबाइल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, अम्मा को मैंने रस्ते में कॉल कर दी थी कि अवैस को किसी ना किसी बहाने से घर से बाहर भेज दें, क्योंकि उसके सामने तो मोबाइल की पैकिंग नहीं कर सकते ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे मिस तो नहीं किया किसी ने? सुबह से निकला हुआ मैं शाम को घर आ रहा हूँ। कसम से बहुत मिस किया मैंने। सुबह का मेरा बबी गया हुआ, पता कब आएगा वापस। हाँ बस काम शाम था। अवैस की तरह, अवैस की तरह, अवैस का जब आपका फोन आया ना, मैंने उसको खाला की तरह भेज दिया। हाँ ये सही किया, आराम से फोन पैक कर लेंगे। हाँ तो और खाली हाथ आऊंगा। ये देखो ये पकड़ो, ये कार्ड है। हाँ वो आपको बताऊंगा कार्ड को क्या करना है। माँ सदके वाली बात नहीं है, कार्ड के लिए एक खुराफाती आइडिया आया था इसलिए कार्ड लिया। ये कवर है, ये बिल है, ये साइड पे रख दो। ये आईफोन है? हाँ जी भाई जान, आईफोन 7 प्लस का गया वो, उस वैसे ही कि और भी। नहीं नहीं मम्मा, उसका गया है आईफोन 6S। अच्छा। वो पिछला मॉडल है, ये उससे अगला मॉडल है। 7 नहीं 7 प्लस। चेक करो, शाबाश यार। कैमरा चेक करो, रुक जाओ रुक जाओ, कैमरा दिखाऊं इसका। मेरी तस्वीर बना। अच्छा जी आपकी बनाऊं तस्वीर? रुक जाओ जरा, आपकी तस्वीर नहीं बोले रहा, कह रहा नहीं, दिस फेस नॉट स्पोर्ट। आए 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 आए, चेक करो रिजल्ट, इसको क्लिक करो। ठीक है, खुश हो जाएगा कसम से, है ना? ये भी तुझे स्वभाव होगा। हाँ क्योंकि चोर ले गए तो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं थी, आपने लेके दिया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। यार अब मसला ये है कि मुझे ना भूख बड़ी लगी हुई थी, मैं सिर्फ कार्ड और टेप लेने के लिए रस्ते में रुका, मैंने डब्बा कोई नहीं लिया यार। वो जो डब्बा पड़ा ना जिसमें तूने कल हेलमेट बनाया था जिसको। ओए हाँ वो डब्बा किधर है? जिसको कल वाले व्लॉग में हमने हेलमेट बनाया था। हाँ मुझे कहते ना मम्मा डब्बे संभालती है मम्मा। अच्छा अभी कहाँ पर है? मैंने संभाल के रखा तो मैं देती हूँ अभी। तो भट साहब कैसा मोबाइल चेक करो। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। सही है हाँ, इसके अंदर 15,000 रुपए आपने डालने। ठीक है अच्छा मेरी बात सुन, चुप हो गए। खाना खा लो, बड़ी शदीद भूख लग रही है और मेरी कमर में दर्द हो रही है, पेट की वैसे यहाँ से मेरे पेट में दर्द जा रही है, कमर में जा रही है। खाना खा लेते हैं उसके बाद इसको पैक करते हैं। और कार्ड वाला क्या सीन है ये फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा सा मैंने उसको तंग करना है। आपने रोवा नहीं डालना और ना ही आपने बोलने लग देना है। पहले थोड़ा तंग करूंगा फिर मोबाइल दूंगा। ठीक है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डाइटा चल रही है भाई, डाइटा। किधर गया मेरा हेलमेट? हेलमेट मेरा ये रहा जी अपना हेलमेट। फटाफट पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अब यार एक मसला हो गया, डब्बा हमारा जो है वो बड़ा है और टेप हमने छोटी ले ली है, लेकिन विल मैनेज। और ये हमें अम्मा ने दिया है पैकिंग मटेरियल, ये देखो। आए 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 आए, ऐसे रखना है और इसके अंदर आएगा मोबाइल। अल्लाह भला करे आपका, ये क्लोज होकर दिखाओ जरा। ये देखो इस कॉर्नर में हम लगा देंगे मोबाइल, इसके ऊपर भी कपड़े फेंक देंगे, उसके बाद सारा पैकिंग मटेरियल डाल देंगे। ठीक है मैंने नहीं देना, मैंने लेके आना है और मैंने कहना है कि भाई आपका पार्सल आया। उन्होंने कहा जी अवैस सर का है और उसके ऊपर जो मैंने कार्ड लिख देना ना, ये हो गया जी बंद। अब कोई जुगाड़ लगा के इसको इसी टेप से पैक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अपना काम बन ही जाएगा, डबल ट्रिपल टेप लगानी पड़ेगी, काम हो जाएगा, बट विल ट्राई के हो जाए। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, छोटी टेप ने भी काम कर दिया भाई। हो गया जी बस, ऑलमोस्ट हो ही गया। क्या हुआ है? मैं इस तरह का बेटा चाहती थी मौला मुझे दे दे, दूसरों के लिए इस तरह जिए जैसे आप जीते हो। कसम से जितना तूने मान उसका रखा है, इसे तो उसके लिए सजा रहा है, बना रहा है, उसको कुछ करने की कोशिश कर रहा है ना। तुझे अल्लाह पांच दिन बाद देखना ऐसे ही खुश रखना, तेरी कमाई में बरकत भी डालनी है, सेहत सलामती में बरकत डालनी है, अल्लाह पाक तेरी तौफीकात में इजाफा करे सबकी। मैं यही चीज कहता हूँ सबको, ठीक है कि रिजल्ट जो है वो दौड़ने में नहीं है, भागने में या मेहनत में नहीं है, रिजल्ट है सखावत में। ऐसे करोगे ठीक है तो अल्लाह भी आपको एक दो के तो चार आपको देगा। अच्छा यार मुझे जरा कंफ्यूज ना करो, कार्ड दो जो मैंने कार्ड के ऊपर लिख दिया ना, आप सबका हाथ सबके बुरा हाल हो जाए। मिंसा जी क्या हाल किया, इधर दिखाओ जरा, दिखाओ जरा, ये देखो मिंसा की हाथ चढ़ गया, उसने क्या बॉल पॉइंट दे दे, बॉल पॉइंट दे दे। ये आपने दिखाना नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, ये अवैस पढ़ेगा जब तब दिखाना है, अभी नहीं आपने दिखाना, बस अभी आप पीछे कर लो, मैं लिख लूंगा जब अवैस आएगा वो पढ़ेगा, बस फिर उसका रिएक्शन देखना, मैं पढ़ के सुनाऊंगा उसको। अभी बंद कर दो, बंद कर। ये देखो भाई सारा प्रेम पत्र लिख दिया, ये लग गई जी पीछे टेप, डबल टेप का काम करेगी, और ये लग गई फ्रंट पे। मामा जी अवैस को फोन करके बुला लो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आइए क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी अब सीन ऐसे है कि अवैस अंदर आ गया, गिफ्ट हमने पैक कर लिया, अब ये कॉटन मैं अंदर लेके जाऊंगा और जाके अवैस से कहूंगा कि कोरियर वाला आया था, वो देके गया है कि अवैस के नाम का कोई पार्सल आया है। ठीक है आओ चलते हैं। अवैस अवैस यार तेरा पार्सल आया ही। मेरा पार्सल तेरा आया, कोरियर वाला आया बाहर, फड़ ला मेरी बांह थक गई यार, उत्थे लटकाया है मैं। पार्सल वाला आया बाहर, कहता भाई ये रजब भट्ट का घर है। मैं कहा जी मेरा घर है। कहता जी अवैस साहब के नाम का पार्सल आया, दिखा कार्ड की है। कार्ड तो लिखा जी, हेलो अवैस मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा नाम सबा, ये भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा देख ले, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा नाम
सभा टली है ये लिखा हुआ है सभा तेली है या टली है पता नहीं क्या है। मेरा नाम सभा टली है, ये एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, प्लीज एक्सेप्ट करें, लव यू मेरे अवैस। वेहला भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, वेहला की लिखा है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सभा टली और लव यू मेरे अवैस। वेहला नहीं भाई मैं नहीं जानता, मैं ये गलत जगह आ गया, मैं किसी गलत जगह आ गया, और जब बटना भी पूछ रहा है नाल कह रहा है अवैस आपके पास ही होता, मैं कहा जी मेरे पास ही होता, खोल के वेहला की है टली ने की भेजा। अच्छा भैया अच्छा भैया खोल के वेख की गया यार, तेन थोड़ी शर्म होनी चाहिए, घर का एड्रेस देता तेरी को मशूक है ठीक है ओके, लेकिन तू कम से कम घर का एड्रेस ना दे उन्होंने यार। हां हाँ जी तरक्की तो वैस ही कर रहा जी, मैं नहीं जानता सभा टली टली सभा टली खोल ए की सभा टली सभा टली दर्दन ते नहीं टलिया गलिया उन्हें पंजाबी टलिया कहते हैं इसको, उन्हें टलिया ही भेजी तेन पुत्र लै की मजाक किया किसी ने यार पागला कपड़े भेजे तेन टलिया ये किसका सभा टली भाई तेरी कोई मशूक ही है, तू उन्हें क्या है जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, रज्जब भाई का भी चोरी हो गया है, उन्हें तुम गिफ्ट भेजा है, ऐसी बात नहीं मेरी कोई मशूक नहीं है जिसने ये मोबाइल भाई सेवन प्लस से क्या बात है वैसा मेरी कोई मशूक ही नहीं है पहली बात है छा गया मेरे नाल तो तू चंगा रह गया, मैं तो दसदा मोबाइल यूज कर रहा हूं तेनू सेवन प्लस गिफ्ट आ गया, चलो नाज की रखिया सभा टली कोई गल नहीं लेकिन मोबाइल तो अच्छा ना टलियां नाल कर लिए चेकर है ओरिजिनल ये सही है और क्या बीच में और कुछ होगा यार बीच में, ये देखो कवर भी भेजा मम्मा जी उसने पाउच भी भेजा भाई मुकम्मल काम किए इसने, ऊपर उसने लिखा भी है कहीं रजब ना मल मार ले ऊपर अवैस लिखा उसने भैया केड़ी टल्ली मेनू ते नहीं समझ आ रहा भाई, चल फिर कोई गल नहीं भावे टल्ली है भावे जो भी है अपने भाई को छोड़ दे जो भी टल्ली है इसमें क्या है छट तू जड़ी भी टली है तू मोबाइल यूज कर इंजॉय कर मोबाइल ना तोड़ दी भाई रो क्यों रहा है पागल लै कुछ इमोशनल हो गया दादा रो ना तेरा सिक्स एस गया सी ना मेरे घर मेरे घरों ही गया सी बहुत बहुत शुक्रिया पर ये आप ही जैसे गया था तो कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे मोबाइल जरूरी है तू बाहर जाता है चीजें चूजें लेता है घर जाता है तो मैं तुझे पीछे से कॉल नहीं कर सकता, अब मैंने 6s बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं मुझे मिला ही 7+ हैप्पी बहुत बहुत शुक्रिया भैया ताबेदार खुश रहा मेरा पुत्र फड़ पीटीए अप्रूव डी तेरा पहले तो नॉन पीटीए सी ना भाई व्हाट्सएप पे फोन करे सिम नहीं चलती मेरी हूं तेन बहाना नहीं होगा सिम कटा ली अपनी ठीक है डन चेक कर ले जीबी भी वाह चार्जर चूर्जर भी आ गया आए आए आज तो नींद नहीं आनी सारी रात है अज सारी रात नींद नहीं आनी सारी रात ही नींद आनी अज आए 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 ठंडी जान ला ना एक बार फिर मिलो ओदे यकीन नहीं आ रहा अल्लाह की कसम कोई प्रैंक नहीं तेरा ही है तेरा ही है कोई प्रैंक नहीं गा अल्लाह पाक आप मेरा बेटा इसको सुकून से इस्तेमाल कर संभाल के रख अल्लाह पाक तेरे नसीबों में करे हां और अब अगर डकैत आ जाए ना अगर डकैत आ जाए तो अपने फोन को साइलेंट पे रखी तेरा ना जाए बस नहीं मेरा साइलेंट पे था वो दूसरे में कमरे में पड़ा था चार्जिंग पर गया उतार के ले गए चलो कोई गल नहीं हैप्पी हैप्पी बर्थडे डन देखो मेरे फिर मेरे मौला ने मेरे बच्चे को भी दे दिया अल्लाह मियां तो जिज्जत देना है देना है लेकिन मुझसे जिन्होंने मजदूरी करवाई है ना वो नहीं दे रहे डिलीवरी मेरी लेट हो रही है चलो डन हो गया डन हो गया ये काम भी पूरा हो गया सुबह से स्टार्ट किया हुआ व्लॉग और 6:30 हो गए अब जाके व्लॉग एंड हो रहा है ओके जी व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड हाँ जी इसमें नहीं है कि मैं आज ही आपके 1 मिलियन सब्सक्राइब आए 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भाई को सब्सक्राइब करें मेरे नाम का सब्सक्राइब करें क्योंकि आज मेरा 7+ मोबाइल मिला है नहीं वो लोग वैसे ही बहुत सब्सक्राइब करते हैं हाँ इसके नाम के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देते हैं खुश है बहुत ओए इसका पोर्ट्रेट चेक कर मैंने मम्मा की तस्वीर खींची है तू भी प्यारा लगेगा पागल व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें कमेंट करके बताएं कि अवैस की मुस्कुराहट कैसी लगी और आप भी किसी ना किसी ऐसे काम का हिस्सा बने रिजक में बरकत पड़ती है अपना बहुत सारा ख्याल रखें दोस्तों का शेयर करें को भी ऐसी मुस्कुराहट जल्द अज जल्द मिल जाए मिल जाएगी मुझे भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं पता नहीं कब मिलती है अपना बहुत सारा ख्याल रखें होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अल्लाह हाफिज़ खुश रहो स्पेशल अल्लाह हाफिज़ एंड मोबाइल भाग के अल्लाह हाफिज़।